ये तारीख तो उन लोगों को खासकर याद होगी जो अखिलेश यादव को फॉलो करते हैं। याद क्यों ना हो, जन्मदिन जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन की चर्चा खूब रही। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अखिलेश बाबू का हैप्पी बर्थडे सपाइयों ने खूब तरीके से मनाया, कोई बीच गंगा में तो कोई पार्टी दफ्तर में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन का मौका था तो उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने फोन घुमाया और जन्मदिन की खूब बधाइयां दी। देना बनता भी था क्योंकि योगी जी के बर्थडे पर अखिलेश यादव ने भी बधाई दी। जन्मदिन पर अनंत बधाइयों को लेकर अखिलेश यादव भी खूब खुश नजर आए, साथ ही सभी का धन्यवाद भी किया। लेकिन इसी मौके पर वैक्सीनेशन को लेकर जब सवाल किया गया तो जवाब बिल्कुल अलग। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं और जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आपसे जब ये पूछा भी जाएगा और पूछा भी जा रहा है कि क्या चुनाव 2022 कैसा होने जा रहा है, किसके साथ आप होंगे, तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम जिनको दिया था बहुमत से, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। आप अपील कर रहे हैं सबों से कि सब लोग वैक्सीन लगाएं, तो अखिलेश जी कब वैक्सीन लगाएंगे सब ये जानना चाहेंगे। इधर COVID-19 का कोई समाधान दिखाई दे रहा है तो वो केवल वैक्सीन है, और वैक्सीन लगाना और लगाने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, उनकी सरकारें दोनों जगह हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने प्रचार किया और करोड़ों रुपए खर्च किए कि दो डोज जरूरी है, और आज वही भारतीय जनता पार्टी कह रही एक डोज जरूरी है। हम चाहते हैं कि अगर वो वैक्सीन हमें लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर नौजवानों को वैक्सीन लगवा दें, और जब एक वैक्सीन बचे तो वो हमें भी लगा दें। लगता नहीं कि आप अगर अपनी लगवाएंगे तो और इसमें अच्छा मैसेज जाएगा, लोग आगे आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लगातार सरकार जो गरीब है, किसान है, उत्तर प्रदेश की जनता, उसको वैक्सीन लगाएं, और केंद्र से जो सहयोग ले सकते हैं लेकर के जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा दें। चलिए अब फिर से आते हैं योगी जी की उस बधाई पर जो उन्होंने अखिलेश यादव को जन्मदिन पर दी। योगी आदित्यनाथ की ओर से ट्वीट भी किया गया और बधाई दी गई, जिसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जन्मदिन की बधाई तो जैसी होती है वैसी ही रही, लेकिन इस बधाई पर मजे लेने वाले ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल ले आए जो बिल्कुल अलग रहे। ट्विटर पर एक से बढ़कर एक कमेंट, कुछ मजेदार कमेंट हम आपको भी दिखाते हैं। एक यूजर ने लिखा कि दिल पर पत्थर रखकर अखिलेश भैया को बधाई देने के लिए धन्यवाद। अब यहाँ निशाना योगी आदित्यनाथ पर था तो लगे हाथ दूसरे यूजर ने मजेदार कमेंट किया और कहा कि प्रभु श्री राम अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि प्रदान करें। एक यूजर ने कमेंट किया ऐसा कि क्या ही कहें, लिखते हैं कि भगवान अखिलेश जी को भिन्न भिन्न प्रकार की टोटियों से नवाजे। कमेंट एक से बढ़कर एक, पढ़ने बैठ जाएंगे तो उठने का मन नहीं करेगा। खैर, अखिलेश यादव की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास जानकारी भी आपको उनके जन्मदिन पर हम देते हैं। 1 जुलाई 1973 को सैफई में जन्म हुआ था। बचपन में नाम टीपू रखा गया। 1996 में अखिलेश पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे और 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव संग शादी रचाई थी। बचपन से ही अखिलेश पढ़ाई में काफी अच्छे माने गए। अब राजनीति में भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, हर दाव पेच को आजमा रहे हैं और निगाहें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर गड़ाए हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।